तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक ऐप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो के सेक्टर 4 में जाने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू एकदम से ही केल और कलिफ्ला की तरफ भागते हैं। गोकू और वेजिटा एकदम से ही चिल्लाते हैं, केल, कलिफ्ला। हम देखते हैं कि ट्रंक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा जाके केल और कलिफ्ला को उठाते हैं और हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी उनकी तरफ भाग के आ रहा होता है। केल को वेजिटा ने उठा रखा होता है और कलिफ्ला को गोकू ने। केल और कलिफ्ला की अपीयरेंस पूरे तरीके से बदल चुकी होती है, क्योंकि हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो टाइमलाइन में उन्होंने अल्ट्रा वेजिटो से लड़ाई करी थी और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करी थी। कलिफ्ला गोकू की आवाज़ नहीं सुन रही होती और एकदम से ही गोकू चिल्लाता है, कलिफ्ला आखिर क्या हुआ, यहाँ पर आखिर क्या हुआ है, कलिफ्ला अपनी आँखें खोलो, कुछ बोलो। पर हम देखते हैं कि कलिफ्ला के मुँह से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती, वो पूरी तरीके से शांत होती है। कलिफ्ला की स्किन भी पूरी तरीके से बेजान लग रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो लगातार ठंडी होती जा रही है। गोकू को आखिरकार समझ आने लग जाता है कि कलिफ्ला के साथ क्या हुआ है। वो बोलता है, कलिफ्ला। गोकू कलिफ्ला की गर्दन पे अपनी दो उंगलियां रखता है ताकि वो कलिफ्ला की पल्स को चेक कर सके और ताकि ये क्लियर हो कि कलिफ्ला अब उनके साथ है भी या नहीं। गोकू एकदम से घबरा कर बोलता है, नहीं, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू को कलिफ्ला की पल्स बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही होती। पल्स महसूस करते ही एकदम से गोकू की एनर्जी बढ़ने लग जाती है। ऐसा लगता है कि अब वो कुछ करने वाला है। गोकू एकदम से ही अपनी एंजेलिक सेरेफिम स्टेज 2 का इस्तेमाल करता है। गोकू चिल्लाता है, कलिफ्ला, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अभी के अभी वापस लेकर आऊँगा। गोकू एकदम से ही अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल कलिफ्ला पे करने लग जाता है ताकि वो उसे हील कर सके। पर कुछ देर ऐसा करने के बाद भी कलिफ्ला में ज़रा सा भी चेंज नहीं आता। गोकू बोलता है, नहीं। कलिफ्ला पूरे तरीके से शांत होती है। सेरेफिम गोकू के पूरे कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंजल्स भी मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते हैं। गोकू कलिफ्ला को ऐसा देख के बिल्कुल निराश लग रहा होता है और बोलता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये जा चुकी है वेजिटा, ये सच में जा चुकी है। गोकू इसके बाद पीछे मुड़ के वेजिटा की तरफ देखता है ताकि वो केल के हालचाल पूछ सके। गोकू पूछता है कि केल की क्या हालत है, क्या उसकी भी सेम कहानी है, उनके साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है, वो कितनी ताकतवर थीं। वेजिटा शांति से केल की तरफ देख के बोलता है, नहीं, ये भी जिंदा है। तभी हम केल की आवाज़ सुनते हैं। वो बहुत ही घायल आवाज़ में बोलती है, बहन, बहन तुम कहाँ हो। केल की ये धीमी आवाज़ गोकू तक भी पहुँच जाती है और हम देखते हैं कि गोकू अपनी बेल्ट में कुछ ढूंढ रहा होता है। गोकू बोलता है कि वो भी जिंदा है, उसे हमें जल्द से जल्द सेंसुबीन देना होगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से चिल्लाता है, रुको, कैकरॉट। गोकू कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वेजिटा उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। गोकू हैरानी से पूछता है, वेजिटा, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। पर वेजिटा ये सब कुछ किसी गलत इरादे से नहीं कर रहा होता। वो शांति से बोलता है, हम उसे यहाँ पर नहीं जगा सकते, हम उसे यहाँ पर जगाकर उसकी मरी हुई बहन को देखने नहीं दे सकते। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई अपनी फैमिली को ऐसी हालत में देखे। केल की बात तो बिल्कुल अलग है, तुम जानते हो कि ये बिल्कुल ब्रोली की तरह है। वेजिटा के कहने का मतलब यह है कि अगर केल कलिफ्ला को ऐसी हालत में देखेगी तो हो सकता है कि वो ब्रेजर का फॉर्म में चली जाए। गोकू समझ चुका होता है कि वेजिटा के कहने का क्या मतलब है। वो निराशा से बोलता है, वेजिटा तुम सही बोल रहे हो, हम उसे ये खबर कहीं और पर देंगे। पर कहाँ पर, वेजिटा, अब हम कहाँ जाएँ। वेजिटा को समझ आ चुका होता है कि अब उन्हें क्या करना है। वेजिटा बिल्कुल सीरियस आवाज़ में बोलता है, हम जाएंगे और काबा को ढूंढेंगे। हमें ये देखना होगा कि जिस ड्यूमन ने ये किया है कहीं उसने काबा को भी तो ख़त्म नहीं कर दिया है। वेजिटा इसके बाद केल को अपने कंधों पर उठाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। हमारे तीनों हीरो उस आखिरी सैयन को ढूंढने जा रहे हैं जिसे वो यूनिवर्स 6 में जानते हैं। और पीछे हम देखते हैं कि कलिफ्ला की सिर्फ बेजान बॉडी पड़ी रह जाती है। हम इसके बाद कलिफ्ला के चेहरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। शायद ये कलिफ्ला का केल को आखिरी अलविदा है। इसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं वेजिटो और यामोशी को, जो कि सेक्टर 4 में एंटर करने ही वाले होते हैं। हम देखते हैं कि वो सेक्टर 5 के कैसल में होते हैं और वेजिटो ने सेक्टर 4 के पोर्टल को ऑलरेडी ओपन कर रखा होता है। पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है और वेजिटो बोलता है, आखिरकार यामोशी, आखिरकार, अब हम टॉप 4 सबसे ताकतवर एम्परर्स को देखने वाले हैं।
चलो उम्मीद करते हैं कि वो क्राइम के जितने कमज़ोर ना हों। हम देखते हैं कि यामोशी इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद यामोशी और वेजिटो दोनों ही सेक्टर 4 में एंटर करते हुए अपना कदम रखते हैं। पर जैसे ही वो दोनों पोर्टल के अंदर एंटर होते हैं दोनों ही एकदम से चौंकते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से बोलता है कि ये क्या। एकदम से यामोशी चिल्लाता है, वेजिटो मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सेक्टर पूरी तरीके से अंधेरे से भरा हुआ होता है और लगातार यामोशी और वेजिटो कहीं पर गिर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि पोर्टल के अंदर एंटर करते हुए उन्होंने किसी ज़मीन पर पैर नहीं रखा बल्कि वो किसी तरीके के खाली स्पेस में गिरने लग जाते हैं। जैसे कि यामोशी ने बोला, वो लोग यहाँ पर उड़ भी नहीं पा रहे होते। वेजिटो एकदम से यामोशी की तरफ देखता है और बोलता है कि वो सही बोल रहा है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वेजिटो यामोशी और खुद को गिरते हुए देख रहा होता है, तभी एकदम से यामोशी चिल्लाता है कि मेरी तरफ देखना बंद करो बेवकूफ़, वहाँ नीचे देखो। किसी वजह से यामोशी नीचे देख के बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। हम देखते हैं कि यामोशी नीचे क्या देख रहा था। नीचे काफ़ी सारे स्पाइक्स होते हैं जिनकी तरफ वो बिना रुके लगातार गिर रहे होते हैं। यामोशी चिल्लाता है कि हमारा काम तमाम होने वाला है। हम उन स्पाइक्स को देखते हैं जिन पर यामोशी और वेजिटो गिर रहे होते हैं। अगर हमारे हीरोज इन स्पाइक से टकराते हैं तो उनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। यामोशी नीचे देख के बोलता है कि भले ही हम बूम मटेरियल से बने हो या नहीं पर ये हमें काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाने वाला है, क्या इससे बचने का तुम्हारे पास कोई आइडिया है मॉर्टल। वेजिटो नीचे की तरफ देख के बोलता है कितना बचकाना है। तभी वेजिटो एकदम से ऊपर की तरफ देखता है और वो एकदम से ही कुछ नोटिस करता है। वेजिटो को अचानक से ही एक ज़मीन का टुकड़ा दिखता है जो कि आसमान में तैर रहा होता है। वेजिटो आखिरकार इस सेक्टर को समझने लग गया है। वो एकदम से हंसकर बोलता है कि अच्छा तो ये सेक्टर इस हिसाब से चलता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ में एकदम से ही अपना गॉड स्लेयर ब्लेड निकालता है और बोलता है कि एक्सटेंड। वेजिटो एकदम से ही अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को बड़ा करके सीधा उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ाने लग जाता है और वेजिटो की ये एनर्जी सीधा उस प्लेटफॉर्म के बीच में जाके टकराती है और उसे तोड़ते हुए उसके अंदर जाके फंस जाती है। वेजिटो ने अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को एक एंकर की तरह इस्तेमाल किया है। वेजिटो एकदम से हंसकर बोलता है कि इसने तो बहुत बढ़िया काम किया, आखिर अब वो जोकर कहाँ पर है। वेजिटो एकदम से ही अपने दूसरे हाथ को बाहर की तरफ निकालता है और हम देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन यामोशी की तरफ होती है जो कि नीचे गिर रहा होता है। वेजिटो एकदम से ही बू की एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने हाथ को बहुत ही बड़ा बना लेता है और यामोशी को पकड़ लेता है और इसके बाद वो यामोशी को एकदम से ही ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ फेंक देता है। हालांकि यामोशी इसमें भी दिक्कत निकाल लेता है और बोलता है कि इतनी तेज़ी से नहीं। इसके बाद यामोशी प्लेटफॉर्म पर जाके लैंड करता है। वेजिटो इसके बाद अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को छोटा करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो भी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो हंसकर बोलता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ जोकर। वेजिटो इसके बाद छलांग लगाता है और हम देखते हैं कि वो यामोशी के बराबर में लैंड करने वाला होता है। इसके बाद दोनों सैयंस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये सोचने लग जाते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। वेजिटो इसके बाद अपने हाथों को फोल्ड करके सीरियसली बोलता है कि इन सेक्टर्स में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अब यहाँ पर वेदर की दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर कोई चीज़ है जो कि हमें उड़ने से रोक रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे मुझे अपनी एक लड़ाई याद आ गई जो कि मैंने एक डिस्ट्रॉयर के खिलाफ लड़ी थी। वेजिटो की बात सुनने के बाद यामोशी बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ये हमारे लिए एक दिक्कत होने वाली है, स्पेशली तब जब हमें लड़ना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट हमारा रास्ता साफ है। बच्चे ऊपर की तरफ देखो। तभी हम वेजिटो और यामोशी की नज़र से देखते हैं। हम देखते हैं कि उनके सामने हज़ारों प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि ऐसे ही हवा में उड़ रहे होते हैं और ये किसी रास्ते की तरह किसी तरफ जा रहे होते हैं। हालांकि ये नहीं पता कि ये रास्ता इन्हें कहाँ ले जाएगा। और क्योंकि अब हमारे हीरोज़ के सामने कोई भी रास्ता नहीं रह गया है इसीलिए वेजिटो के पास ही इकलौता रास्ता है ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने अगले ओपोनेंट यानी कि अगले डीमन एम्परर का सामना कर सके। वेजिटो और यामोशी सेक्टर 4 में आखिरकार आ चुके हैं पर उन्हें अभी डीमन एम्परर का सामना करने में थोड़ा सा समय लगेगा और वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।